हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चले जी, तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था रिगार्डिंग रिवीजन क्लासेस कि सर हम अक्टूबर के मंथ से फ्रॉम 1 अक्टूबर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फॉर सीए एज वेल एज सीएमए। ठीक, अकाउंट्स की वो रिविजन क्लासेस रहेंगी और इसमें सीए कोर्स सीएमए कोर्स सारे टॉपिक्स को कोशिश करूंगा कि मैं सारे टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली रिवाइज करा के चलूंगा। अब देखो, मेरा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि मुझे सीए के लिए करना है या सीएमए के लिए करना है, ना मैं दोनों का कोई स्टडी मटेरियल रेफर करने वाला। मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक, तो हम वहां पर क्या करेंगे, रिविजन क्लासेस में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते समय जो कॉन्सेप्ट बिल्डर होता है, जिसको मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर बोलता हूँ, या कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन या एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसका कोई सीए सीएमए से कोई रोल नहीं रहेगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक आप उठा लो, लेट से कंसाइनमेंट उठा लो। ठीक, तो कंसाइनमेंट का जो टॉपिक है वो सीए सीएमए कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहना है। ठीक, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहना है। ठीक है जी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा पूरा पूरा फोकस रहेगा। क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर। सीए इंटर में भी अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, और सीएमए इंटर में भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट्स। ऑडिट अबर नहीं, अभी अवर कवर नहीं कर रहा, ऑडिट के लिए सेपरेट मैं आपको वीडियो दूंगा बाद में। ठीक, अभी सिर्फ हम अकाउंट्स के ऊपर फोकस करके चलेंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का रिविजन शेड्यूल है। इसके लिए मैंने एक शेड्यूल भी बना दिया है, पीडीएफ फॉर्म में शेड्यूल बना दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके दो स्लॉट्स होंगे, एक दिन में दो क्लासेस होंगी। एक होगा आपका मॉर्निंग स्लॉट, जो कि लगभग सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में शुरू होगा। ये कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, 10 साढ़े 10 बीच के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 10 भी हो सकता है, 10:15 भी हो सकता है, 10:30 भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, 10 से 10:30 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो इवनिंग स्लॉट रहेगा वो आपका 8 PM रहेगा, उसका टाइम फिक्स है, वो हम लगभग 8 बजे शुरू कर देंगे, 8 से 8 के बीच में शुरू कर देंगे। सर कितनी देर का ये हमारा सेशन रहेगा? सेशन की जो ड्यूरेशन है वो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम 1.5 घंटे का रखूं, लेकिन अगर मुझे कुछ टॉपिक को कवर कराने के लिए, कुछ टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। 2 घंटे से ऊपर मैं नहीं लूंगा, मैक्सिमम मैं कवर कोशिश करूंगा 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको टॉपिक रिवाइज करा दूं। डेज वाइज टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर इस चार्ट में बना दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 अक्टूबर जो है हमारा फ्राइडे, फ्राइडे को मैं मॉर्निंग वाले स्लॉट में हायर परचेज कराऊंगा और इवनिंग वाले स्लॉट में कंसाइनमेंट कराऊंगा। इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं। ठीक, अब यहां पर आपको शॉर्टलिस्ट करनी है कि आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक एप्लीकेबल है। जैसे आप सीए के स्टूडेंट हो या सीएमए इंटर के स्टूडेंट हो, तो सीए इंटर हो या सीएमए इंटर हो, दोनों के लिए हायर परचेज रेलेवेंट है, तो हायर परचेज वाली क्लास अटेंड करोगे। कंसाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो सीए फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट है, सीएमए फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट है, सीएमए इंटर के लिए रेलेवेंट है। सीए इंटर का यहाँ पर कोई काम नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ये फाउंडेशन वाले बच्चे आ जाएंगे, प्लस सीएमए इंटर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर क्या करा है सर, पूरा का पूरा शेड्यूल बना दिया है। तो आप अकॉर्डिंगली जो टॉपिक आपके लिए एप्लीकेबल है आप अपने आप को उस क्लास में फिक्स कर सकते हो। ठीक, लगभग जो टेंटेटिव डेट मैंने रखी है कंप्लीशन के लिए वो है 17 नवंबर। ठीक, अब देखो वो तो क्लास स्टार्ट करने के बाद पता रहेगा कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैंने 17 नवंबर रखी है। 1, 2, 3, 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मान लो बीच में कोई किसी दिन टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो सीक्वेंस रहेगी सीक्वेंस यही रहेगी। ठीक, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, डेज आगे हो सकते हैं लेकिन सीक्वेंस आपकी सेम रहेगी, इसी ऑर्डर में मुझे काम करके चलना है। ठीक है जी, तो आई होप सर आप रिविजन लेक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करोगे, लाइव वो रिवीजन रहेगा सर, इंटरेक्ट भी आप लोग करोगे, डाउट्स क्वेरीज आप सब पूछोगे। लेकिन ये शेड्यूल देने का मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत क्या करना उस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ के आना, सो दैट आप रिवीजन सेशन में आपको बिल्कुल ब्लैंक फील ना हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, ये पीडीएफ का जो लिंक, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल सीए इंटर का अलग है, सीए फाउंडेशन का अलग है, सीएमए वालों का अलग है, तो 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर ही मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स को सर मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, नॉन पेड वालों के लिए टेलीग्राम पे ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ठीक, इनकेस अगर किसी को टेलीग्राम नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा या फिर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी सर, टेलीग्राम पे रहना, टेलीग्राम पे ज्यादा कंटेंट मैं शेयर करता हूं तो टेलीग्राम पे जुड़े रहना। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूँ, ऐप का लिंक दे रहा हूँ, वो ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ऐप पे क्या होगा सर, ऐप पे मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा, जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज के कुछ टेस्ट है
वो टेस्ट बनाकर मैं क्या करूंगा, ऐप पे अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद आंसर्स। तो आप वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, सर आपको ऑटोमेटिकली टॉपिक के अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेस्ट आपके ऐप पर रहेंगे। ठीक, जैसे ही मैं टेस्ट अपलोड करूंगा तो मैं आपको एक दिन पहले आके वीडियो बता दूंगा कि भी टेस्ट आपको कैसे मिलेगा एप्लीकेशन पे, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। अभी मैंने एज ऑफ नाउ कोई टेस्ट अपलोड नहीं किया, अभी तो आप जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लेकिन जैसे ही टेस्ट अपलोड होंगे तो मैं वीडियो के थ्रू आपको टेस्ट के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये सर आपका रिवीजन शेड्यूल है। तो इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना अपने पास, और अकॉर्डिंगली जो टॉपिक आपके कोर्स में एप्लीकेबल है, सीए सीएमए, क्योंकि मुझे नहीं पता सर आप सीए फाउंडेशन में हो, सीएमए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर, सीएम इंटर, एडवांस अकाउंटिंग हो या अकाउंटिंग हो या कंपनी अकाउंट्स हो या फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, आप अपने अकॉर्डिंगली सर क्या करोगे, टॉपिक देखकर चलोगे और सेशन अटेंड करोगे। लेकिन हाँ, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन रिवीजन सेशंस को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लिया, आपको अकाउंट्स में, चाहे आप किस भी लेवल के अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इतने अच्छे नंबर आप लेकर आओगे, बस आप खुद नहीं सोच सकते कि सर आप कितने अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन इस रिवीजन को आपको प्रॉपर अटेंड करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और एक अच्छी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। ठीक है जी, चलो फिर तो मिलेंगे हम 1 अक्टूबर को सुबह सुबह 10 से 10:30 के बीच में विद द टॉपिक ऑफ हायर परचेज, और शाम को मिलेंगे हम 1 अक्टूबर को 8 बजे विद द टॉपिक ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है जी, चलिए फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।